नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही एनडीए एक्शन में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। एक के बाद एक घोटालेबाजों की कमर तोड़ी जा रही है। जांच एजेंसियों की कार्यवाही ने इनकी नींद हराम कर दी है। वहीं बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद आरजेडी की बौखलाहट बढ़ गई है, क्योंकि इनके भ्रष्ट नेताओं को एनडीए की सरकार ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे जांच एजेंसियों की कार्यवाही तेज हो रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसको जानकर अधिकारी भी चौंक जाते हैं। एक बार फिर से बिहार में लालू के करीबी पर ईडी का हंटर चला है, जिससे बवाल मचा हुआ है। लालू के करीबी की बड़ी मुश्किलें। शराब फैक्ट्री पर हुई छापेमारी, 3 गाड़ियों से पहुंची ईडी की टीम, 200 करोड़ का खेल आया सामने। बिहार में इन दिनों एनडीए सरकार का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई भ्रष्ट लोग बालू माफिया सलाखों के पीछे जा रहे हैं। वही राज्य में जांच एजेंसी ने भी अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। इस दौरान कई लोगों की काली करतूत सामने आ रही है, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि लालू यादव के करीबियों की मुसीबतें तेजी से बढ़ रही है। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, इसके बाद भी हर रोज किसी न किसी जिले से शराब की बड़ी खेप बरामद होती है, जिससे पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई ने बवाल मचा दिया है और शराब माफियाओं में दहशत का माहौल कायम हो गया है। सबसे पहले बात ईडी के तगड़े एक्शन की। लालू के करीबी कारोबारी अमित कात्याल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में कात्याल के कई ठिकानों पर छापेमारी की। लैंड फॉर जॉब केस में कात्याल को पिछले साल नवंबर में ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अमित कात्याल पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी बताए जाते हैं। कात्याल एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का प्रमोटर है। अमित कात्याल के आवास सहित कई उनके ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। अमित के कृषि बिल्टेक ग्रुप के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में कृष्ण बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कुल 27 परिसरों की तलाशी ली गई। हरियाणा के इस कंपनी के मालिक अमित कात्याल और राजेश कात्याल हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की यह जांच कंपनी के प्रमोटरों के तरफ से घर खरीदारों की 400 करोड़ रुपए की धनराशि की कथित हेराफेरी और उन्हें विदेश में खपाने से जुड़ी हुई है। ईडी ने आरोप लगाया कि अमित कात्याल ने घर खरीदारों की 200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम श्रीलंका भेजी। रेलवे के चर्चित लैंड फॉर जॉब स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने बीती 11 नवंबर को लालू के करीबी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था। वही लैंड फुट जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि इसी बीच ईडी ने कात्याल के ठिकानों पर रेड शुरू कर दी। आरोप है कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले में कई लोगों से उनकी जमीन लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के नाम लिखवा ली गई। अमित कात्याल एक कारोबारी है। अमित की कंपनी का नाम जमीन के बदले नौकरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सामने आया था। अमित कात्याल वही कारोबारी हैं जिसने बिहार में राबड़ी देवी की सरकार के समय पटना के बेहटा के पास बियर फैक्ट्री लगाई थी। उस कंपनी में लालू राबड़ी की एक बेटी को डायरेक्टर भी बनाया गया था। बाद में कात्याल ने एके इंफोसिस्टम नाम की कंपनी बना ली। इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी। इस कंपनी को जमीन बेचने वालों में ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके परिजनों को लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी दी गई थी। तो बिहार में एक के बाद एक आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लालू के कई करीबी ईडी और आईटी की रडार पर है और इन पर तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अमित कात्याल से पहले आरजेडी एमएलसी विनोद कुमार, लालू के करीबी सुभाष यादव और किरण देवी, इन सब की हालत जांच एजेंसियों ने खराब कर दी है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के आरा में राजद विधायक किरण देवी के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। बताया गया कि विधायक का परिवार आवास में उस वक्त मौजूद नहीं था। यह छापेमारी गढ़नी थाना के अज्ञाव स्थित आवास पर हुई थी। बता दें कि विधायक किरण देवी के पति अरुण यादव भी संदेश से विधायक रह चुके हैं। वह लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। इससे पहले जनवरी में किरण देवी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। दरअसल अरुण यादव पहले से सीबीआई के रडार पर चढ़े हुए, पिछले साल भी उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। अरुण यादव आरा के बड़े बालू कारोबारियों में से एक है। आरा से लेकर पटना तक
उनका कारोबार फैला है। बताया जा रहा है कि बालू के कारोबार से ही उन्होंने पटना में काफी संपत्ति बनाई है। आरोपों के अनुसार लालू परिवार को भी कई फ्लैट तोहफे में देने की चर्चा रही। वहीं लालू यादव की पार्टी राजद के एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल के आवास से महंगी शराब बरामद की गई। शराब कारोबार से जुड़े मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की आयकर विभाग की टीम ने एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर छापा मारा था। इस दौरान राजद एमएलसी के कदम को आयसित हाउस से विदेशी ब्रांड की शराब के साथ काले धब्बेदार तालाब प्रजाति के दो कछुए भी बरामद किए गए। इसके बाद आयकर विभाग की टीम की ओर से राजद एमएलसी के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना, साक्ष्य को प्रभावित करने, शराब बरामद की और प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए रखने समेत कई अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एमएलसी विनोद कुमार अभी लापता बताए जा रहे हैं। आयकर विभाग के अधिकारी की ओर से बताया गया कि 6 मार्च को विनोद कुमार के घर की तलाशी ली गई थी। इस दौरान एमएलसी के घर से विदेशी वाइन की और विस्की की बॉटल मिली है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने प्रतिक्रिया में बताया कि विनोद कुमार को कई बार समन भेजा गया, लेकिन उन्होंने सरकारी आदेश की अवहेलना की। आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि राजद एमएलसी की ओर से कार्यवाही में सहयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में लिया गया है। 9 मार्च की रात को ईडी की टीम ने अवैध बालू खनन और बालू की बिक्री से संबंधित पीएमएलए मामले में सुभाष यादव को गिरफ्तार किया था। 9 मार्च की सुबह ईडी की टीम ने सुभाष यादव और उनके करीबी सहयोगियों से संबंधित करीब 8 जगह छापेमारी की थी। इस दौरान सुभाष यादव के एक कर्मचारी और करीबी सहयोगियों के परिसर से लगभग 2,37,00,000 रुपए बरामद हुए थे। ईडी की टीम ने इसका हिसाब मांगा तो कोई हिसाब नहीं दिया गया, जिसके बाद ईडी की टीम ने सारे कैश जब्त कर लिए। पूछताछ के बाद ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद सुभाष यादव को बेउर जेल भेजा गया। अब 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल ईडी की टीम को सुभाष यादव के खिलाफ अवैध बालू कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिली थी। जांच के बाद टीम ने पटना के दानापुर तकिया इलाके समेत सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इतनी भारी मात्रा में कैश देख ईडी की टीम भी दंग रह गई। टीम को कैश गिनने के लिए मशीन भी मंगवाना पड़ा। बालू कारोबार से जुड़े सुभाष यादव को राजद ने 2019 में झारखंड के चतरा लोकसभा से टिकट दिया था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इधर चुनाव से एक साल पहले यानी 2018 में इनकम टैक्स ने दिल्ली, धनबाद और पटना समेत सुभाष यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। बताया जा रहा है कि सुभाष यादव ने जब लालू यादव के दरबार में आना शुरू किया तो उनकी हैसियत एक आम कार्यकर्ता की थी। रोजाना सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता लालू यादव से मिलने पहुंचते थे, वैसे ही सुभाष यादव भी पहुंचते थे। फिर सुभाष ने बालू घाटों के ठेकों पर अपनी पैक बनानी शुरू कर दी। कुछ सालों में बिहार में बालू कारोबार के किंग कहे जाने लगे। इस दौरान एक दौर ऐसा भी आया जब सारे पुराने खिलाड़ी चारों खाने चित हो गए। सुभाष यादव की मर्जी के बगैर बिहार की किसी नदी से बालू का एक कण भी नहीं निकाल पाया जा सकता था। नीतीश कुमार के राज में भी सुभाष की हैसियत में कुछ खास कमी नहीं आई, कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया, सिर्फ तरीका बदल गया। सुभाष यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से एक के बाद एक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।